आप देख रहे हैं राखी जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रदीप बना। खबर है विस्तार से। माडलगढ़ में देवनारायण मंदिर में पूजा अर्चना शुरू करवाने व गोपाल वस्सी को रिहा कराने को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपजिला कलेक्टर बावनवास को सौंपा ज्ञापन। बावनवास 23 मार्च बुधवार को बावनवास उपखंड पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाजपा विधायक प्रत्याशी राजेंद्र प्रधान के नेतृत्व में सीएम के नाम राज्यपाल के नाम बावनवास SDM को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने माडलगढ़ में बंद भगवान देवनारायण मंदिर को खुलवाने एवं सालासर मंदिर के प्रवेश द्वार को पुनर्निर्मित कराने की मांग को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री व राज्यपाल के नाम उप जिला कलेक्टर रतनलाल योगी को ज्ञापन सौंपा। उदामंदान पिपलाई ने बताया कि 45 वर्ष से बंद माडलगढ़ के देवनारायण मंदिर खुलवा कर पूजा अर्चना करवाई जाए, साथ ही गोपाल बस्सी को रिहा कर मुकदमा वापस लिया जाए। कार्यकर्ताओं ने सुजानगढ़ में बने सालासर बालाजी प्रवेश मुख्य द्वार के साथ ही राम दरबार की मूर्ति को भी नुकसान पहुंचाने के आरोपी ठेकेदार व अन्य कर्मियों पर भी मुकदमा दर्ज करने की मांग की। वही कार्यकर्ताओं ने SDM ऑफिस पर धरना प्रदर्शन करके नाराबाजी करके बानवास SDM को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो भगवान देवनारायण मंदिर पूजा अर्चना शुरू की हो जाए या बावनवास विधानसभा क्षेत्र का सर्वसमाज सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है, इसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। इस घटना को लेकर हिंदू समाज में भी भारी रोष व्याप्त है। तो इन्हें उसके ताले लगा कर रख रखे, उसको हमारा भाई गोपाल वस्सी वो ताले को खोलने गया, क्योंकि देवनारायण भगवान हमारे सर्व समाज का आराध्य देव है, हमारा भगवान है, तो उसकी पूजा हर हालत में होनी चाहिए। और हमारा गोपाल भाई जो पूजा करने के लिए ताला खोलने के लिए गया, उसको इस गहलोत सरकार ने आपराधिक मामलों में तानाशाही करके, तानाशाही रवैये से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके और षड्यंत्र करके अन्य मुकदमों में उनको फंसा दिया और उनको जेल में डाल दिया। अब हमारी पूरे कार्यकर्ताओं की सर्व समाज की मांग है, गोपाल भाई बस्सी को रिहा किया जाए और इस देवनारायण भगवान का ताला को खोलकर हमारे सभी समाज के गुजर भाइयों को उसके पूजा अर्चना की करने की अनुमति दी जाए। भगवान देवनारायण की जय।